दोस्तों, सुबह सवेरे की हमारी आज की बैठक में इस वक्त मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बॉलीवुड को हर नजर से देखा है। नन्ही अदाकारा के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली हनी ईरानी आज एक सफल फिल्म लेखिका हैं। तो आइए आज बातचीत करते हैं हनी ईरानी से। आपका सुबह सवेरे में स्वागत है। स्वागत है हनी। सबसे पहले तो बातचीत शुरू करते हैं नई फिल्म, आपकी लिखी हुई नई फिल्म क्या कहना के बारे में। क्या कहना है आपको उस फिल्म के बारे में? क्या कह सकती हूँ, I would like you to see it, and it's a very bold film. Bold? Yes, it is. Mm. It's a family-oriented film. It's a love story. It's about relationships. You have to see it. आप कहती हैं फिल्म बोल्ड है, आप ये भी कहती हैं इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, तो दोनों में आप कैसे तालमेल बिठा रही हैं? इसलिए तो चाहती हूँ कि आप जाके देखें। अच्छा, आपने फिल्म लिखी है? आप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिल्म की कहानी क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे क्या कहानी? मतलब इस एक लड़की के बारे में है। इट्स बेसिकली अबाउट यंगस्टर्स। जी, जिंदगी में लोग कभी गलती कर जाते हैं एंड व्हाट हैपेंस विद दैट, उसके बारे में है। फैमिली के बारे में है कि फैमिली आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती है, क्या फैमिली को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स अबाउट लव अफेयर के लव अफेयर में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इंट्रिगिंग। पर इस तरीके का कुछ तो कुंदन झा की पिछली फिल्म में भी था, कभी हां कभी ना में भी था, कुछ कुछ होता रहता है फिल्म में, प्रेम कहानी भी चलती रहती है। ये फिल्म उससे कहानी में कुछ ना कुछ तो होता रहना चाहिए ना, मतलब कहानी आगे कैसे चलेगी। ये फिल्म उससे किस तरह अलग है आप देख के बताइएगा। आप कुछ नहीं बता रहे हैं हमें। जी अच्छा, आप एक बहुत सक्सेसफुल लेखिका हैं, इतनी अच्छी फिल्में आपने लिखी हैं, तो जब आप फिल्म लिखती हैं तो क्या होता है? आइडिया होता है जो जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करती हैं और फिर उसको आपको लिखना ही लिखना होता है, या प्रोड्यूसर्स की डिमांड होती है, किस ढंग से? ज्यादातर आइडिया ही होता है, और अगर मुझे लगता है कि यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, इस पर अच्छी कहानी बन सकती है, देन वंस इट्स डाउन एंड डेवलप्स इट, फिर उसका स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। नहीं तो किस तरीके से कॉन्टेक्ट कौन करता है? क्योंकि हमारे पास होता क्या, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी आती हैं, बहुत सारे हमारे लाखों करोड़ों दर्शक हैं जो फिल्में लिखना चाहते हैं और हमारे पास अपनी स्क्रिप्ट भेजते भी रहते हैं कि हमने कहानी लिखी है जी। तो ये अप्रोच कैसे किया जाता है, क्या सिस्टम है फिल्म राइटर का, थोड़ा सा बताएंगे? फिल्म राइटर का सिस्टम जो है वो ऐसा है कि मेरे साथ जो होता है वो आमतौर पर ये होता है कि पीपल अप्रोच मी जी, कि आपके पास कोई सब्जेक्ट है जी। कभी होता है कि हमको दो हीरो का सब्जेक्ट चाहिए या हमें हीरोइन का सब्जेक्ट चाहिए, यू नो डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। तो अगर मेरे पास उस वक्त कोई इस तरह का आइडिया हो या कोई सब्जेक्ट हो तो मैं उनको सुनाती हूँ, अगर वो उनको पसंद आता है, एंड देन वन प्रोसीड्स फ्रॉम देयर कि यू स्टार्ट राइटिंग द एंटायर स्क्रिप्ट। और किस तरह की फिल्में आप लिखना पसंद करती हैं? मतलब पर्सनली मुझे रोमांटिक फिल्में और इमोशनल फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। लम्हे आपने लिखी थी आईना जी, या जैसे अभी ये है क्या कहना, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह रही हैं? ये कह सकती हूँ कि इट्स माय फेवरेट फिल्म। इज इट? वेरी वेरी ब्यूटीफुली मेड जी, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, वेरी वेल एक्टेड, आई मीन एवरीथिंग इज परफेक्ट इन द फिल्म एंड आई थिंक। हनी एक बात बताइए, आपने अपना करियर शुरू किया था एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, नन्ही सी अदाकारा जो पर्दे पर आती हैं तो लोग मुस्कुरा उठते थे जी, और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी आप उसमें। फिर आप लेखिका कैसे बन गई, क्या हुआ? हुआ ये कि मैंने शादी कर ली जी। उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया जी। उसके बाद आई एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर। अच्छा, तो आई वाज असिस्टिंग मिस्टर रमेश तलवार फॉर अबाउट 7 इयर्स, देन आई वांटेड टू मेक माय फर्स्ट फिल्म, नोबडी टुक मी सीरियसली, सो आई थॉट आई शुड राइट माय ओन स्क्रिप्ट एंड गेट द फाइनेंस फ्रॉम NFDC, एंड आई वेंट टू NFDC विद माय स्क्रिप्ट एंड दे रिजेक्टेड द स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट बाद में आईना जी यश चोपड़ा साहब, फिर उन्होंने सुनी, उनको पसंद आई और फिर वहां बनी। तो इस तरह से मैं राइटिंग में चली गई। और फिर आपने लम्हे लिखी, पर क्या लगता है कि लम्हे आपने कुछ वक्त से पहले लिख दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वक्त से पहले कुछ नहीं होता, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट की, वो नहीं चली। नहीं, लेकिन वीडियो सर्किट पे पीपल से दैट वक्त से बहुत पहले आ गई और ये आ गई, मतलब पीपल डिडंट एक्सेप्ट इट। पर क्या कहना से आपको क्या उम्मीद है कि लोग इसे स्वीकार करेंगे? जी हां, बिल्कुल करेंगे। क्यों? बिकॉज वो इस तरह की कहानी है जो ऐसा लगता है कि आम आदमी की लाइफ में, आपकी लाइफ में हो सकता है, मेरी लाइफ में हो सकता है, मतलब हर आदमी रिलेट कर सकता है अपने आप को, हर परिवार उसमें अपने आप को देख सकता है। बिल्कुल। हनी, कहो ना प्यार है जो इस साल की सबसे बड़ी हिट हुई है और ऋतिक तो एकदम स्टार ही बन गए उसके बाद, तो जब आपने ये फिल्म लिखी थी तो क्या आपको लगा था कि ये इस मैग्नीट्यूड की हिट बनेगी? नहीं, ये तो नहीं लगा था, ये जरूर लगा था कि ऋतिक बहुत बड़ा स्टार बनेगा।
बट यस द फिल्म हैज डन वेरी वेल. Okay. पर ऋतिक में ऐसा क्या है जो हर आदमी यही कहता है कि हाँ हमने जब पहली बार ऋतिक को देखा था तो पहले से ही पता पूत के पांव पालने में नजर आ रहे थे. ही इज अ वेरी गुड डांसर. ही इमोट्स वेरी वेल. उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. गुड लुकिंग है. एंड कहीं ना कहीं वो ही कम्स अक्रॉस टू द ऑडियंस. सो हार्ट गोज आउट टू हिम. जी. और अब क्या कहना के बाद आपकी और कौन कौन सी फिल्में आएंगी? टिप्स की नेक्स्ट फिल्म है अलबेला. जी जी. उसके बाद अब मैं लिख रही हूँ बाकी फिल्म जो राकेशी की नेक्स्ट फिल्म होगी. वीनस के लिए कुछ फिल्में हैं. डायरेक्शन बिल्कुल छोड़ दिया आपने. छोड़ा तो नहीं है. वो तो मैं कभी नहीं छोडूंगी. अब भी रे बट कभी ना कभी आई विल डू दैट. रमेश जी को बोलिए ना कि आपको देने की. रमेश जी आई होप यू आर लिसनिंग. नहीं और अपनी ही स्क्रिप्ट पे आप डायरेक्ट करेंगे या स्क्रिप्ट किसी और से लिखवाएंगे? अपनी स्क्रिप्ट. हनी आप हमारी बैठक में आई, इतना वक्त हमारा साथ गुजारा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. थैंक यू. सवेरे की बैठक में इस समय मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी मुस्कुराहट पिछले कई दशकों से आपका मन मोहती रही है. जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने हर किरदार के रूप में अपनी छाप छोड़ी है. सुबह सवेरे में आपका स्वागत है फरीदा जलाल जी. स्वागत है आपका. सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इतना साल हो गया है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ. बहुत सारे साल आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखे हैं. क्या बदलाव आपको इंडस्ट्री में नजर आता है इतने सारे सालों में? बदलाव तो खैर अभी इतने साल भी नहीं देखे जो मैं बदलाव के बारे में बताऊं. कुछ वैसा ही है जैसा पहले था जी. और कुछ बदलाव जैसे पूरी दुनिया में बदलाव आई है तो हमारी इंडस्ट्री क्यों पीछे रहे जी. इसमें भी बदलाव आया है. लैक ऑफ डिसिप्लिन पहला बदलाव. थोड़ा वो बदमाशी कर लेते हैं आजकल के बच्चे. ये मैं बहुत फील करती हूँ. और इसके फिल्म इंडस्ट्री के अलावा एज एन एक्ट्रेस और एज अ पर्सन फरीदा जलाल में क्या बदलाव आया है? हाँ ये जरूर है कि आप उतनी ही सुंदर अब भी लगती हैं. इसके अलावा बदलाव क्या आया है? तो वो एक कहते हैं ना कि सुबह से कोई नहीं मिला. सुबह ही है. तो कहूँ मैं सुबह शुरू हुई है. इसीलिए कह रही हूँ सुबह शुरू हुई है. तो खैर मेरे अंदर जो बदलाव आया है ये पूछ रही हैं आप. जी एक्ट्रेस के तौर पर भी मैच्योर हो गई हूँ. समझ बूझ आ गई है. दुनिया देख ली है. जी. और एक्ट्रेस के तौर पे आप कैसे? वो मैच्योरिटी भी आई एज एन एक्ट्रेस. जैसे कि आज मैं अपनी पहली फिल्म में देखती हूँ तो लगती हूँ कोसती हूँ अपने आप को. नहीं बहुत बुरा लगता है. वाकई कहते लगता है कि कितना अच्छा और कर सकती थी. जी. कितनी समझ आज आई है. बल्कि अब भी मुझे लगता है जब एक फिल्म खत्म हो जाती है जब ट्रायल देखने बैठती हूँ तो लगता है एक बार और मौका मिल जाए तो ये शॉट दोबारा दूँ और अच्छा दूँ. वो फीलिंग तो खैर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात है रूबरू. मुंबई में फिल्मों में आपका सफर कैसे शुरू हुआ था? बॉम्बे में मेरा सफर कैसे शुरू हुआ? फिल्मों में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट था जब मैं स्कूल में थी उन दिनों जी. जिसको मैंने ज्वाइन किया था जिसमें राजेश खन्ना साहब फाइनलिस्ट थे और मैं भी थी. अच्छा. और इट वाज इजी दैट वे बिकॉज फाइनलिस्ट को फिल्म फेयर वालों ने अपने फंक्शन में प्रेजेंट किया था स्टेज पर जी. ऑडियंस में इत्तेफाक से मिस्टर ताराचंद बरजाटिया बैठे थे. अच्छा. दूसरे दिन कॉल आया फॉर द फिल्म तकदीर जी. दैट वाज माय वेरी फर्स्ट फिल्म. ओके. राजश्री वालों की तकदीर जी. सेकंड वाज बाहरों की मंजिल, गोपी, आराधना जी. और फिर रिएक्शन क्या रहा आपके फैमिली का, आपके घर वालों का? वेल मदर थी और माय ग्रैंडमदर वाज देयर जी हु वांटेड मी टू गेट मैरिड बहुत छोटे में ही. बट आई वाज एडमेंट आई वांटेड टू जॉइन फिल्म्स जी. मतलब जब से मुझे याद है मुझे बस ये याद है कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी जी. तो आप राजेश खन्ना साहब का जिक्र कर रही थी और आपकी एक बेहद कामयाब फिल्म आराधना जैसा कि आपने जिक्र किया है. बहुत खूबसूरत यादें होंगी उस फिल्म की तो कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे आप? है यादें इसलिए खूबसूरत है कि फिल्म वाज अ मेगा मेगा हिट. वाज अ वेरी बिग हिट. अ डायमंड जुबली ऑल ओवर इंडिया. लेकिन कुछ यादें तख भी हैं क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, नई थी और राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार बनने के तो प्रॉब्लम्स उस तरह के जरूर थे कि ही वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल आई थिंक वर्किंग विद अ न्यूकमर. तो कुछ प्रॉब्लम्स बल्कि हमारी दोस्ती आराधना की प्रीमियर पे ज़्यादा हो गई. अच्छा. काश कि वो रैपो उस वक्त होता है जब हम सेट पे थे. सेट पे थे. तो जब फिल्म ख़त्म हो गई तब हमारी दोस्ती हुई, तब हंसी मजाक शुरू हुआ. वन हैज़ बी वेरी टेंस ऑन द सेट्स विद हिम. ही वॉज नॉट वेरी ईजी जैसे बोलते हैं ना टू वर्क विद. कॉन्टेस्ट में तो वो आपके सामने ही थे ना. तो उनको याद नहीं रहा कि ये वही लड़की. सिर्फ मुझे याद रहा. अच्छा. अच्छा लेकिन उसके बाद फिर आपने बहुत ही ज़्यादा फिल्में तो नहीं की. जैसे आराधना इतनी बड़ी हिट थी लेकिन जितने भी रोल्स आपके थे कैरेक्टर रोल्स थे जैसे सिस्टर का रोल था तो ऐसा क्यों हुआ? मुझे इस वक्त इतनी खुशी हो रही है कि आप मुझे ये सवाल पूछ रही हैं जी. और जब भी मैं कोई इंटरव्यू देती थी तब भी और अब भी
सबसे पहला सवाल ताजुब होता है मुझे कि यही होता था कि आप हीरोइन कैसे नहीं बनी. एग्जैक्टली. तो मेरा ख्याल है मैं यही कामयाब हूँ कि मुझसे ज़्यादा ये फिक्र आपको है. आपने मेरे अंदर की बात को, मेरे टैलेंट को पहचाना. जी हाँ. तभी तो आपने ये सवाल पूछा. जी. तो आई थिंक आई वन द वॉर बिकॉज वैसे मेरे नसीब में नहीं था. नहीं हुआ, अलग बात है. लेकिन अगर आप लोग सब ही महसूस करते हैं और अगर आप क्योंकि जो भी किरदार आपने निभाया है वो 100% सामने नजर आता है. दैट्स ऑल आई नीड. माय पीपल, पीपल हु लव मी, माय फैमिली, फील दिस फॉर मी, इट्स एनफ. हमें याद है मम्मो, पूरी फिल्म जो है आप अपने कंधों पर ढोके ले गई वो फिल्म. जी, वो तो अब हुआ ना. मम्मो तो अब हुआ मेरे साथ. जिस वक्त एज थी, जिस वक्त वो बात थी, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा. एक मैं फिर आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगी. आप कह रहे हैं जिस वक्त वो एज थी, वो बात थी, तो उस वक्त अगर आपको चांस मिलता तो आप किस तरह का रोल निभाना चाहती, किस किस्म की हीरोइन? ओह माय गॉड, द स्काई इज द लिमिट. मैं तो आज मदर इंडिया मांग लूं. क्यों नहीं, एन आर्टिस्ट के नाम फ्रेम थिंग, बट मिलता कहां है? और आप किस तरह के रोल्स में कंफर्टेबल हैं? हर तरह के. अब मैं करती क्या हूँ सब, मैं तो करती हूँ मदर के रोल. जी, है ना. अब बहुत ही लवेबल मदर होती है. थैंक गॉड फॉर दैट कि लवेबल कैरेक्टर्स हैं एंड आई एम गेटिंग दैट. जैसे कि अभी मैं अभी यही बहस कर रही थी आते वक्त कि हम जैसे आर्टिस्टों को, कैरेक्टर आर्टिस्टों को एक लिमिटेड रोल ही मिलता है करने के लिए. वी कांट फ्रीक आउट, वी कांट डू व्हाट वी वांट, नथिंग इज गिवन, नथिंग कम्स आवर वे. पहले मैं माँ बहन थी, जैसे कह रही थी हंसी मजाक से कि पहले बहन के रोल करती थी तो उसमें भी हदूद होते थे कि ये हो सकता है, बहन ये कर सकती है, दैट्स इट. अब माँ के रोल करती हूँ तो वट एवर आई कैन डू इन दैट लिमिटेशन आई ट्राई टू डू. आपने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया, बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, और अब आप प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, चंद्रचूड़ सिंह. कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं. तो ये पीढ़ियों का क्या बदलाव नजर आता है, क्या किस तरीके का फर्क आता है लोगों के अंदर? अगर क्या कहना की बात करें, ये फिल्म रिलीज हो रही है कुछ ही दिनों के अंदर. हाँ. इसमें जो लोग आपके साथ हैं वो प्रीति जिंटा, चंद्रचूड़ सिंह, और आपने उस वक्त काम किया था कि ये कहा जाता है कि युवा पीढ़ी जो आज की हमारी बड़ी उतावली है, बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहती है. खैर, वो तो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट पहले से रहा कि सब कुछ पा लेने की जो चाह होती है और जल्द पा लेने की चाह होती है वो तो होती है. हाँ, आज की पीढ़ी में ज़्यादा है. आज की पीढ़ी वो कुर्बानियाँ भी नहीं देती है जो हमारी पीढ़ी के लोग देते थे. जी. इस प्रोफेशन में रहते हुए वो डेडिकेशन मैं नहीं देखती हूँ. जैसे मैंने सुना था दिलीप कुमार साहब ने सितार सीख ली, सितार का एक शॉट देने के लिए, एक गाना करने के लिए, वो आज कहीं सुनने में आता है? जी नहीं आता. तो ऐसा कोई अभिनेता है या अभिनेत्री है जिसके साथ आपकी बहुत तमन्ना रही हो काम करने की लेकिन आप कर ना पाई हो? अभिनेता कोई बच्चा ही नहीं, मैं कहते रही नहीं. वही आप बोल रहे थे ना कि सब कुछ, मतलब राइट फ्रॉम अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना टू प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, लेकिन कोई कुछ ऐसा आपको कहीं लगता है कि काश मैं इनके साथ काम कर पाती? Both actors. I've worked with all. That's what I'm going to tell you. I've worked with all. अच्छा, हम बात करते हैं फिल्म क्या कहना के बारे में. किस तरीके की फिल्म है ये? लोगों ने इससे पहले भी कहा है इट्स अ बोल्ड फिल्म, इट्स अ डिफरेंट फिल्म. वो तो मैं कहना चाहूंगी जरूर. जी, कहानी मत पूछिए, मैं नहीं बताऊंगी. जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस फिल्म को देखिए, बहुत प्यारी फिल्म है. यू जस्ट कांट मिस सच अ फिल्म. जी, और बस ये है कि इस कहानी में हम ये जरूर आपसे पूछेंगे दुनिया से कि अगर इंसान एक गलती करे तो उससे बचने के लिए क्या वो दूसरी गलती करे, एक गुनाह को छुपाने के लिए, या उससे माफी पाने के लिए क्या वो दूसरा गुनाह करे. दिस इज व्हाट वी लाइक टू आस्क यू इन द फिल्म. माँ के तौर पर आप देखिए और बताइए, एक माँ के तौर पर आपने इसका सामना कैसे किया फिल्म में? एक माँ के तौर पे जी, माँ बनी है. फिल्म में देखी हमने, बड़ी खूबसूरती से किया इसका सामना. तो और कुंदन झा, उनके बारे में? वेल, आई हैव टू से अ वर्ड अबाउट द कैप्टन ऑफ द शिप. इट्स आई थिंक इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म फॉर हिम बिकॉज इट इज नॉट हिज सीन, हिज स्टाइल. वी हैव सीन द कुंदन झा फिल्म्स डाउन द इयर्स एंड ही इज बीन मेकिंग लाइट ब्रीजी कॉमेडीज एंड हिज ओन स्टाइल. ही इज अमेजिंग एट दैट. लेकिन ही इज गोइंग टू सरप्राइज यू ऑल द वे ही इज हैंडल्ड दिस प्रोजेक्ट. ही रियली सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस. आपको पूरी उम्मीदें हैं ये फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी? पूरी उम्मीद है. फरीदा, आगे आने वाली दुआ है मेरी और मेरी उम्मीद भी है. जी, आगे आने वाली कौन सी फिल्म है जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हैं? अब तो आधे आधे में है सब. एक है तेरा जादू चल गया, एक है चोरी चोरी चुपी. नहीं, जैसे क्या कहना के लिए आप इतना स्ट्रांगली फील करती हैं, तो कोई ऐसी फिल्म आगे? मेरी हर फिल्म में कोई ना कोई बात तो होगी. वही, प्लीज, इतना तो हो गया. ओके फरीदा जी, आप सुबह सवेरे हमारी बैठक में आए, हमारे साथ इतनी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.